और अब बात स्वाइन फ्लू से मचे हाहाकार की। स्वाइन फ्लू की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में मौत का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में जहां स्वाइन फ्लू से एसपी सुनील गुप्ता की मौत हो गई, वहीं पुणे में एक विधायक भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ चुके हैं। देश भर में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक स्वाइन फ्लू का कहर बरपा है। कश्मीर में तो स्वाइन फ्लू ने एसपी सुनील गुप्ता की जान ले ली। गुप्ता की मौत 18 फरवरी को ही इलाज के दौरान हो गई थी, लेकिन शुक्रवार को आई रिपोर्ट से उनके स्वाइन फ्लू पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। हमने अभी तक 23 सैंपल्स भेजे हैं, सस्पेक्टेड केसेस सो फार जो जिन्हें बोला जाता है, तो उनमें से 7 की रिपोर्ट आई है हमें। 7 में से 3 पॉजिटिव हैं और एक पॉजिटिव शायद जिनका डेथ के बारे में बता रहे हैं वो भी पॉजिटिव रिपोर्ट है उनकी। स्वाइन फ्लू की वजह से देश भर में अब तक करीब 700 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 10 और मौत के बाद मृतकों की संख्या 204 हो गई है। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू की वजह से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 29 नए मामलों के सामने आने के बाद स्वाइन फ्लू पीड़ितों की संख्या 165 हो गई है। सरकार बहुत गंभीरता से लिया हुआ है, स्पेशली दो चीज़ों में। एक तो कि इसका बहुत ही बेहतर तरीके से रोकथाम हो, और दूसरा है कि जो जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनका बेहतर इलाज हो। इन दोनों एस्पेक्ट पे सरकार जो है गंभीर है, और आज मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में एक अति आवश्यक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी। स्वाइन फ्लू से राहत बचाव के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। दवाओं की कमी की वजह से कहीं किसी की जान न जाए, केंद्र सरकार इसे लेकर चिंतित है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और स्वाइन फ्लू की रोकथाम में हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्वाइन फ्लू ने जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे दी है। कुल अभी तक 5 मौतें हो चुकी हैं। जम्मू में एक एसपी रैंक के अधिकारी की मौत के बाद लोगों में काफी खौफ फैल गया है और अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7।